देख सकते हैं यहाँ भी एक गाड़ी जा करके पलटी हुआ है। हालांकि पलटी कैसे हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, सामने से जाके यहाँ पलटी हुआ है और उधर भी एक गाड़ी देख सकते हैं उधर, ये दोनों में टक्कर हुआ। जो इधर गाड़ी दिखाई दे रही है पूरा तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और ये दोनों गाड़ी का आपस में टक्कर हुआ था। यहाँ पर जो इधर रावल किला से जा रहा था गाड़ी और एक आ रहा था रांची के तरफ से, यानी रावल किला से ये वाला गाड़ी जा रहा था और उधर जो एक्सीडेंट हुआ है उधर वो रांची के तरफ से आ रहा था। दोनों में बहुत भयानक टक्कर हुआ। हालांकि ये गाड़ी तो साइड हो गया, उसको उधर साइड किया गया खींच के क्रेन के मदद से, और इसका हालत देख सकते हैं कितना बहुत बुरी तरीके से इसका, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट हुआ उस साइड जो कार दिखाई दे रहा है उसके बाद से इधर आकर के पलटी हो गया था, फिर इसको खड़ा किया गया है। देखिए कैसे केबिन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, इसका कुछ भी नहीं बचा है केबिन में। बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ है और पूरा खाई में जा कर के नीचे ड्राइवर के साइड का तो पूरा ख़त्म हो चुका है केबिन, देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। जो टायर और फट गया है, टायर भी इसका फट गया है देख सकते हैं। और इधर से उसका सामने सामने दोनों गाड़ी का टक्कर हुआ है, ये JH नंबर है, झारखंड नंबर, सामने सामने टक्कर हुआ है। ऐसा हमेशा घटना होते रहता है रोड पर, हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, फिर भी लोग मानते नहीं हैं, उल्टा सीधा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण ये सब एक्सीडेंट होता है।